यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस में, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्रा पर। आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडेज सेशन। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ, देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज और कल के न्यूज़ आज हम देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। चलिए बढ़ चलते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट ऑफ। सो दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट टू एंड हाफ ईयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस दो बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है। आई हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज फॉर 3 ईयर्स, आफ्टर विच आई रिजाइन टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। टेलीग्राम चैनल आईएएस टॉपर्स मंत्रा पर आकर उठा ले जाइए इस सेशन का फ्री पीडीएफ। और आईएएस टॉपर्स मंत्रा ने लॉन्च किए हैं वेरियस कोर्सेज ऑफलाइन कम ऑनलाइन फॉर द प्रीलिम्स 2023 एंड मेंस 2023 प्रिपरेशंस। इसमें संकल्प टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं, संकल्प टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये संकल्प टेस्ट सीरीज इज अ सेट ऑफ 17 टेस्ट और इस पे एनरोल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रारंभ डॉट लाइव एप्लीकेशन पर। ये देखिए प्रारंभ डॉट लाइव एप्लीकेशन कैसा दिखता है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जाकर एनरोल करना है। और इसके अलावा एक और भी कोर्स लॉन्च किया गया है प्रीलिम्स के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स, दैट इज सक्षम। सक्षम मेंटरशिप कोर्स में आपको संकल्प टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा एंड 6 मंथ्स का ये कोर्स है। सैटरडे संडे और मंडे सो क्लासेस चलती हैं एंड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, आंसर राइटिंग सेशंस एंड प्रीलिम्स रिवीजन नोट्स कंप्लीट इसमें आपको दिया जाएगा। For further details and clarifications, you can contact upon the following mobile numbers 8329637094, 7038889438 and 7276637094। मैं बता दूं संकल्प एंड सक्षम कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स दोनों उपलब्ध है प्रारंभ डॉट लाइव एप्लीकेशन पर, आप देख सकते हैं। प्रारंभ डॉट लाइव URL एंटर कीजिएगा एंड विल बी डायरेक्टेड टू द वेबसाइट इन दिस वे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट इन टुडेज न्यूज। पढ़ चलते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अरुणाचल यील्ड्स अ पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड, 6 बर्ड वॉचर्स ट्रैक टू अ पीक इन अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन सर्च ऑफ अ रेयर एंड एलूसिव ग्रे बेलिड रेन बैबलर। बैबलर्स आर बर्ड्स, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बैबलर्स आर बर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर। तो बैबलर बार बार ये आ रहा है स्टूडेंट्स, वाबलर, बैबलर, ठीक है, ये सब ये शब्द आ जाएगा कि बैबलर या वॉबलर्स ये क्या है, दे आर बर्ड्स, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर गए थे, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट। चंगलांग डिस्ट्रिक्ट वही है स्टूडेंट्स, ईस्टर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है, नामदफा टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखिए। और यहीं पर एक माउंटेन पीक है मुगाफी माउंटेन पीक एंड मुगाफी पास, ये हम लोगों ने पढ़ा था 1 महीने पहले, एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो मुगाफी पास एंड मुगाफी माउंटेन पीक हम लोगों ने पढ़ा था एंड दिस इंडिया म्यांमार बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। प्रीलिम्स के लिए आ सकता है स्टूडेंट्स, बैबलर एंड वॉबलर आर बर्ड्स, यस। मुगाफी का लोकेशन, नामदफा टाइगर रिजर्व का लोकेशन, इसी में बूढ़ी डिहिंग रिवर फ्लो करती है एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन, दैट्स इट। स्नो लेपर्ड का भी न्यूज आया था, मैं ये बता दूं नामदफा रिजर्व इज द ओनली, नामदफा नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क टू हैव ऑल द 4 बिग कैट्स, रॉयल बंगाल टाइगर, स्पॉटेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड एज वी प्रोसीड टूवर्ड्स द हायर हाइट्स, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म एंड लाइवलीहुड, टूरिज्म मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर डेवलपिंग टूरिज्म सर्किट्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग पुट इन कीजिए स्टूडेंट्स दैट म्यांमार के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेंथ में, मुझे बताइएगा, समझ में आ जाएगा कि आप लोग पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्लास के अंदर। सो क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म एंड लाइवलीहुड, टूरिज्म मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर डेवलपिंग टूरिज्म सर्किट्स अलॉन्ग द गंगा इन लाइन विद अर्थ गंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स हैव बीन प्लान्ड इन 75 टाउन्स अलॉन्ग द मेन स्टेम ऑफ द रिवर।
एट सब डिविजन्स ऑफ अर्थ गंगा देखिएगा एक बार। मैंने ये बताया था आपको 2 मंथ्स बैक। तो गंगा नदी के आसपास का एरिया रिजुविनेट करने के लिए, गंगा रिवर को वापस बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, क्योंकि इट्स सफरिंग फ्रॉम ह्यूज पॉल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग इन द रिवर, इंडस्ट्रियल वेस्ट गेटिंग डंप्ड इन द रिवर, एंड यस ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द दिस एनक्रोचमेंट ऑन द रिवर बैंक्स। यस, तो मार्किंग अ शिफ्ट इन एम्फेसिस, द यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप नमामि गंगे प्रोग्राम कंसीव टू इंप्रूव द सैनिटेशन लेवल्स इन द गंगा इज नाउ गियर टूवर्ड्स कंजर्वेशन टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। ये देखिए नमामि गंगा एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। अर्थ गंगा और हार्नेसिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल फ्रॉम द गंगा फॉलोज फ्रॉम अ डायरेक्टिव बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 19, एंड दिस इज वॉट वी स्टडीड अबाउट इन जस्ट 1 मंथ बैक। अर्थ गंगा क्या है तो स्टूडेंट्स ये दिस आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन टूरिज्म लाइवलीहुड, ये तीनों चीजों पर फोकस। यस, तो गंगा रिवर पर काम करते हुए ये सरकार का फोकस है कि टूरिज्म भी बढ़े। यहाँ देखिए टूरिज्म सर्किट्स बनाए जाएंगे, जैसे कि रामायण सर्किट और बुद्धिज्म सर्किट बनाया गया। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। रॉन्ग, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड करेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ मैंने कहा था आप लोगों को। तो ये बस कुछ खास न्यूज नहीं है, टूरिज्म में आप लिंक कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, देखिए मैंने अर्थगंगा पे आपको डिटेल्स बताए थे दैट थोड़ा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी अपॉन द ग्राउंड इज समथिंग डिफरेंट। ओके, ह्यूज मीन्स जो हैबिटेशंस हैं, गांव हैं, शहर हैं, अच्छे खासे आ गए गंगा के बैंक्स पे, और इसकी वजह से थोड़ा सा इस पर अर्थगंगा पे फोकस कम हो सकता है आगे आने वाले समय में। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से दो न्यूज आए हैं। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स, विच ऑल स्टेट्स हैव पास्ड लेजिस्लेशन अगेंस्ट फोर्सफुल कन्वर्जन्स, हैव दीज लॉज बीन चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेट्स सी। सो सुप्रीम कोर्ट रिसेंट रिमार्क ऑन रिलीजियस कन्वर्जन कास्ट अ स्पॉटलाइट ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट अबाउट व्हाट द फंडामेंटल राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजियस फेथ इंटेल्स। देखिए धर्म सेक्युलर, देखिए इंडिया के हमारे संविधान में सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15, 16 लिखा हुआ है। इट्स इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑल्सो आर्टिकल 21 उसमें इम्प्लिसिट रहेगा, ठीक है, कि धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, लेकिन अलग से धर्म को लेकर, धार्मिक भावनाओं को लेकर अलग से पुटअप किया गया स्टूडेंट्स आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30। आर्टिकल 25 till 28 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रिलीजन, एंड आई हैव टोल्ड यू इट्स नॉट अबाउट बींग धर्म निरपेक्ष इन इंडिया, इट्स बींग पंथ निरपेक्ष। वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलीजन इट्स नॉट अबाउट रिलीजन ओनली, इट्स अबाउट अ सोशल ऑर्डर, एंड दिस इज वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंटेंडेड। दे न्यू दैट वन कैनॉट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द इंडिविजुअल बिकॉज इंडिविजुअल इज इट द कल्चरल एक्टिविटीज द कंप्लीट दिस सोसाइटल अपब्रिंगिंग इट्स डीपली एम्बेडेड इन रिलीजन वन और द अदर रिलीजन। हर जगह सोसाइटल अपब्रिंगिंग और जो भी एक्टिविटीज बचपन से होती हैं बड़े होने तक सब के सब इसी से डिराइव रहती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रिलीजन पे फोकस नहीं है, हमारे यहाँ सोशल ऑर्डर मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड द रिलीजियस एक्टिविटीज उस पर फोकस है, और सबके तरफ हमारा समान व्यवहार, यानी कि स्टेट का समान व्यवहार। स्टेट मतलब क्या है, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, और यहां पर आर्टिकल 25 में स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट, यू कैन सी इट हियर दैट मीन्स इन इंडिया द फोकस इज अपॉन द इंडिविजुअल नॉट द रिलीजन, इन द अदर कंट्रीज द फोकस इज अपॉन द रिलीजन नॉट द इंडिविजुअल। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल 25 यू कैन सी इट हियर, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। यस, कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू मोल्ड रिलेशन विद गॉड। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंटेंडेड दैट यू माइट हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग ओवर वॉट इज रिलीजन एंड हु इज गॉड आउट हेयर। तो आप अपने हिसाब से मोल्ड कीजिए रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां पर, ठीक
ठीक है, सेकेंड पॉइंट प्रोफेस फ्रीडम टू डिक्लेयर वंस फेथ ओपनली, ये देखिए, तो दिस प्रोफेस का मतलब जाकर बाहर बताना कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, इस कल्चरल एक्टिविटीज में फॉलो करता हूँ, ऐसा करके प्रोफेस, प्रोफेस मीन्स यू आर ट्रांसपेरेंसी इज देयर व्हेन यू आर प्रोफेसिंग दैट यस यू फॉलो दिस रिलीजन बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स एंड क्रेडेंशियल्स। सेकेंड प्रैक्टिस फ्रीडम टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड वर्शिप्स, आपको उस धर्म के सारे रिचुअल्स और वर्शिप्स परफॉर्म करने का पूरा अधिकार है। एंड प्रोपगेट फ्रीडम टू ट्रांसमिट एंड डिसमिनेट वंस बिलीफ और फेथ। अभी अब चैट बॉक्स में आया कि सर प्रोपगेट वर्ड हटा देना चाहिए, क्योंकि यही प्रोपगेट से कन्वर्जन, कन्वर्जन हैज बिकम ईजी। ये देखिए, तो मैं बता दूं अगर प्रोपगेट वर्ड हटाइएगा तो आर्टिकल 19(1)(a) के खिलाफ चला जाएगा। डू यू एग्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये देखिए प्रोपगेट वर्ड नहीं हट सकता और हटना भी नहीं चाहिए, मैं बता दूं आपको। ओके, येट प्रोपगेशन का मतलब होता है जाकर सबको बताना कि अच्छा मैं ये फॉलो कर रहा हूं, मेरे मन में ये है, मेरे हिसाब से भगवान ये है, मेरे हिसाब से भगवान ये नहीं करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करके बताना, प्रोपगेट करना। एंड तुम्हारे धर्म में क्या है, मेरे धर्म में क्या है, ऐसा करके प्रोपगेट करना। इन शॉर्ट द टॉक इज अबाउट आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसीलिए कितनी बार ये प्रोपगेशन का लाइन क्रॉस हो जाता है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रोपगेशन एंड कन्वर्जन्स, बिकॉज प्रोपगेट मीन्स विदाउट एलियोर, विदाउट फ्रॉड, विदाउट फोर्स आप प्रोपगेट करना आइडियल्स। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्जन के लिए आप एलियोर, फ्रॉड पुटअप कर रहे हैं। कन्वर्जन्स बाय डिफॉल्ट अपने से भी हो सकते हैं एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जेंस फोर्स्ड एलियोरमेंट और फ्रॉड से भी होता है। और इसी को लेकर एक फेमस केस गया था, स्टैनिसलॉस केस ओडिशा से 1977 में। एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए, स्टैनिसलॉस केस, ओडिशा और मध्य प्रदेश के क्रिश्चियन मिशनरीज लेकर गए थे और वहां सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था उस केस में दैट प्रोपगेशन डजंट मीन कन्वर्जन, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं देन यू आर इंपैक्टिंग द पर्सन कॉन्शियंस जो कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए, उसे खुद से सोचने दीजिए ना, आप कौन होते हैं बताने वाले, आप कौन होते हैं उसको एलियोर करने वाले, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि क्या सही और क्या गलत है, आप क्या सही हैं। इसी को लेकर प्रोपगेशन इफ इट क्रॉसेज द लाइन टुवर्ड्स कन्वर्जन इट इज अफेक्टिंग द कॉन्शियंस ऑफ द अदर पर्सन एंड दिस इज वाई बार बार इस पर मुद्दा उठा है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ इस आर्टिकल में। सो द स्टोरी सो फार, On December 5, a bench led by Justice M.R. Shah said acts of charity or good work to help a community or the poor should not be cloaked an intention to religiously convert them as payback. ये देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, आप चैरिटी कर रहे हैं, आप गुड वर्क कर रहे हैं, बदले में कन्वर्ट करा रहे हैं, चिंता की बात है। चैरिटी का मतलब ही होता है बिना किसी इंटेंशन के आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं। The bench has been hearing a plea from Advocate Ashwini Kumar Upadhyay seeking a special law against forced conversions and alleging that mass conversions of socially and economically underprivileged people are being carried out. This was done by the Christian missionaries even before the independence. In fact, when the Europeans came out here and the Europeans mein dekhiye alag alag countries aayi thi yahan par, Britishers bhi aaye the, Portuguese bhi aaye the, French bhi aaye the, Danes bhi aaye the, Denmark ki sabse zyada Christian missionaries aayi thi is jagah par kaam karne ke liye. And the bench in an earlier hearing in November had remarked that religious conversions by means of force, allurement or fraud may ultimately affect the security of the nation and freedom of religion and conscience of citizens. ये देखिए, तो सेंटर से क्लैरिफाई करने के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्लैरिफाई कीजिए, क्या आपको एंटी कन्वर्जन बिल चाहिए, नहीं चाहिए, आप लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, ये बताइए। मैं बता दूं, अभी जस्ट 2-3 weeks back we talked about Ulgulan movement, शायद लास्ट वीक की बात है, बिरसा मुंडा, उलगुलन मूवमेंट, झारखंड, ठीक है, इतना ही नहीं, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां जहां ट्राइबल्स का ज्यादा प्रेजेंस रहा वहां क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबको कन्वर्ट कर दिया इसी वजह से। ये देखिए, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कोर्ट इंटरप्रेट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन फ्रीली। Debate on religious freedom goes back to the Constituent Assembly when the framers of our constitution debated the inclusion of the right to propagate as a fundamental right. Some members wanted to replace the word propagate with practice privately, fearing that the right would create room for forceful conversions. Usi samay discussion hua tha. Yes. So the right to propagate was
अल्टीमेटली केप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टेट्स एंड सिविल सोसाइटी हैव नॉक्ड ऑन द डोर्स ऑफ द जुडिशरी टाइम एंड अगेन टू इंटरप्रेट दिस फ्रीडम. द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन स्टैनिस्लॉस केस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1960s इज फ्रीक्वेंटली साइटेड इन मैटर्स इन्वॉल्विंग रिलीजियस फ्रीडम. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए एन राय हेडिंग अ फाइव जज बेंच डिसेक्टेड आर्टिकल 25 टू होल्ड दैट आर्टिकल डज नॉट ग्रांट द राइट टू कन्वर्ट अदर पर्संस to one's own religion, but to transmit or spread the one's religion by exposition of its tenets. क्या साफ साफ कहा गया बात है यहाँ पर. आप ट्रांसमिट कीजिए आइडियल्स, स्प्रेड कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन आप ये मत कीजिए कि आप उसको कन्वर्ट करा रहे हैं जबरदस्ती. दिक्कत की बात है. तो वट इज फ्रीडम फॉर वन इज फ्रीडम फॉर द अदर इन इक्वल मेजर. दिस इज इट आउट हियर. ये देखिए राइट टू इक्वालिटी इफेक्ट हो रही है अगर आप उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, उसका कंसियंस इफेक्ट कर रहे हैं. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 गेट अफेक्टेड. बी नो सच थिंग एज अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट एनी पर्सन टू वंस ओन रिलीजन. बिफोर दैट इन 1950 द टॉप कोर्ट हेल्ड इन अरुण घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दैट अटेम्प्ट्स टू रेज कम्युनल पैशंस थ्रू फोर्स्ड कन्वर्जन वुड बी कंसीडर्ड अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर अफेक्टिंग द कम्युनिटी एट द लार्ज. इट हेल्ड दैट इट वॉज विद इन द पावर ऑफ स्टेट्स अंडर एंट्री वन ऑफ द स्टेट लिस्ट of the seventh schedule of the constitution to enact local freedom of religion laws. ये देखिए. और इसके अलावा मैं बता दूं आर्टिकल 25 में एक्सेप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए आर्टिकल 25 में एक्सेप्शंस आई देख लेते हैं कहां पर दिए गए हैं. ये देखिए एट द लास्ट इट्स गिवन एक्सेप्शंस पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के लिए आप ये कोई भी चीज रोक सकते हैं. यस एंड स्टेट कैन रेगुलेट द एक्टिविटीज. सवाल ये है कि सर पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी का मतलब क्या. अब ये देखिए स्टेट के हिसाब से रहेगा वहां पर, लेकिन लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी उस लॉ को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां है इंटरप्रेट करने के लिए. बट यस पब्लिक ऑर्डर एंश्योर करने के लिए वी नीड सच टाइप ऑफ लॉज विच शुड प्रिवेंट फोर्सफुल कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स बाई सेल्फ और बाई डिफॉल्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम आउट हियर. फोर्सफुल कन्वर्जन्स By fraud, allurement or money is a big problem. अब देखिए यहीं पर आप लोगों ने सवाल पुटअप किया है चैट बॉक्स में कि सर पता कैसे चलेगा कि फोर्सफुल कन्वर्जन कोई करवा रहा है या नहीं करवा रहा है. तो फोर्सफुल कन्वर्जन करवाने के लिए स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, आप बताइए क्या एक इंडिविजुअल है, एक जिसका मींस पॉवर्टी बीपीएल पॉपुलेशन का इंडिविजुअल है, मान लीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन का, उस पर्सन के पास खाने की दिक्कत चल रही है, तो उसे कोई आता है सामने से और बोलता है कि मींस बताता है कि ऐसा है कि तुम दिक्कत में हो, आओ इस धर्म में कन्वर्ट कर जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें ये मिल जाएंगे इस जगह पर, ऐसी जगह पर. अब वो पर्सन नहीं कर सकता डिसीजन, ठीक है. अगर वो पर्सन द पर्सन कन्वर्ट्स एंड विदाउट सीइंग द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन इन फ्रंट, इस जगह पर द पर्सन हु इज गेटिंग कन्वर्टेड द पर्सन फेल्स टू सी फ्रॉम द लेंस ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग फॉर हु इज मेकिंग हिम फोर्सफुली कन्वर्ट इन टू अनदर रिलीजन. ऐसी जगह पर आप रहेंगे सर कौन डिसाइड करेगा. डिसीजन की बात यहां पर स्टूडेंट्स तभी आती है जब जो कोई थर्ड पर्सन या दिस स्टेट की अथॉरिटीज या लॉज, ये लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज, वो ऐसे केसेस उनके पास आते हैं, तब जाकर ही इस तरीके की चीज़ें सामने पब्लिक में आती हैं. और यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट फोर्सफुल कन्वर्जन सामने वाले का ना हो, इसके लिए एक और भी स्टेप लेना ज़रूरी है, एम्पावरमेंट. कैसा एम्पावरमेंट, आप जो सर कौन सा एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आप. Empowerment regarding what? Knowledge? Yes. Empowerment regarding what? Economic empowerment? Yes. Empowerment regarding what? Ability to take decisions on self? Yes. इसीलिए तो बार बार कहते हैं development in its own self is the biggest panacea for maximum evils. Do you agree? Tell me the chat box. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए इधर से ही काम नहीं चलेगा, उधर उस पर्सन का स्टेटस उठाकर ऊपर रखना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग में उसको एम्पावर करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी. और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैं बता दूं आपको, तुरंत नहीं होगा ये, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इस पर काम करना जरूरी है. इसमें एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पंचायती राज लोकल गवर्नेंस एक्ट हो या पीडीएस एक्ट हो या बाकी कोई भी एक्ट हो जो सोशल सिक्योरिटी के लिए
प्रमोट किया जा रहा है, वो सारी चीजें आपको कैपेसिटी बिल्ड करवाती हैं लॉन्ग टर्म में, दे आर नीडेड तभी जाकर। नहीं तो ऐसे, तो देखिए ऐसे अगर कोई गरीब रहेगा, ऐसे कोई अगर इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर रहेगा और डिसीजन मेकिंग में नहीं काम कर पाएगा ठीक से, तो उसका कन्वर्जन तो बहुत आसान हो जाता है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसीलिए सेंटर इज नॉट ब्रिंगिंग अ एंटी कन्वर्जन बिल। ये एक बड़ा पॉइंट है। स्टेट्स हैव मेड लॉज ओवर एंटी कन्वर्जन। ये देखिए डू स्टेट्स ऑलरेडी हैव स्पेशल लॉज ऑन कन्वर्जन? यस, बिफोर इंडिपेंडेंस भी था और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है। 10 के ऊपर स्टेट्स ने आज की तारीख में, देखिए मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स हैव पास लॉज प्रोहिबिटिंग सर्टन मींस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन्स। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, तमिलनाडु, लेकिन हर जगह स्टूडेंट्स एक वही चीज आकर अटक जा रही है, दैट क्या ये नियम कानून बनाने से ही सारी चीजें हो जाएंगी? नहीं। और इसी वजह से सेंटर एंटी कन्वर्जन बिल नहीं ला रहा है। ये पहले भी आंसर किया गया था, बिकॉज द फर्स्ट फोकस आउट हियर शुड बी दैट जितना प्रोपगेशन और कन्वर्जन में थिन लाइन है, उतना ही अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है अपने मन से भी, तो शायद उसके बारे में जबरदस्ती कोई जाकर झूठ भी कंप्लेन कर दे रहा है। यस, सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी थिन लाइन। माइट बी आउट ऑफ 100 पीपल 90 पीपल माइट बी फोर्सफुली कन्वर्टिंग अदर पर्सन, बट माइट बी 10 पीपल हु आर गेटिंग कन्वर्टेड बाई themselves। इवन इन दोज केसेज द कंप्लेंट्स आर गोइंग अप, एंड इन बोथ द केसेज आउट हेयर इट्स अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 25। यस, इसी के लिए स्टूडेंट्स सेंटर की तरफ से पहले, अब देखिए सेंटर एक जो सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर नियम की बात है, वो नियम नहीं है अभी। और एक्ट देखिए, 50,000 रुपये, 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, देखिए सब हर जगह एक्ट्स में पुट अप किया गया। अभी रिसेंट में 10 स्टेट्स ने एक्ट्स बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर। सो हैव दिस लॉज बीन चैलेंज? द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट इन 2012 स्ट्रक डाउन सडन प्रोविजन ऑफ स्टेट 2006 लॉज रिस्ट्रिक्टिंग कन्वर्जन्स होल्डिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीन्स कन्वर्जन्स कंप्लीटली बैन करना दिक्कत है, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कन्वर्जन्स बाई फोर्स, यही देखिए इसी को पहचानने की जरूरत है। और इसीलिए कानून से केवल काम नहीं चलेगा, दैट्स इट। द कोर्ट सेड दैट इंडिविजुअल कन्वर्टिंग देयर फेथ ऑल्सो एंजॉयड द राइट टू प्राइवेसी एंड द प्रोविजन टू गिव अ मंथ्स प्रायर नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वायलेटेड दिस राइट। ये देखिए राइट टू प्राइवेसी एक बहुत इनहेरेंट एस्पेक्ट है, और जस्टिस पुत्तास्वामी केस में इसको होल्ड किया गया एज अ फंडामेंटल राइट। और ऐसी जगह पर अगर आप जब कन्वर्ट हो रहे हैं जाकर डीएम, देखिए ये हिमाचल प्रदेश वाले में था, दैट कन्वर्ट होने पर आप डीएम साहब को जाकर आप चिट्ठी लिखिएगा कि मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, तो ऐसा है कि बुलेटिन बोर्ड पर लगा दीजिए आप, ठीक है, कि मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, मेरा नाम लगा दीजिए, इसी बहाने मेरा नाम भी आ जाएगा पब्लिक में। नहीं, मुझे बताइए, दिस इज इट। तो एंटी कन्वर्जन बिल्स भी, जो एक्ट्स भी हैं, उस पर भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आर्टिकल 25 के खिलाफ चले जाए। नहीं, मुझे बताइए, सो व्हाट इज द सेंट्रल स्टैंड? इन एन एफिडेविट फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेड दैट द राइट टू रिलीजन डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, स्पेशली थ्रू फ्रॉड, डिसेप्शन, कोएर्शन, एल्योरमेंट एंड अदर मीन्स। The MHA reiterated the interpretation of Article 25 given by the Supreme Court in Stanislaus judgment of 1977. Fraud or induced conversion impinged upon the right to freedom of conscience of an individual apart from hampering public order, and therefore the state is well within its power to regulate or restrict it. Ye dekhiye. The Supreme Court's recent remarks on religious conversions cast a spotlight on the long-standing debate about what the fundamental right to propagate means. Ye dekhiye, isi ke matlab ko lekar na, ye dekhiye. इसका मतलब क्या है? What is freedom for one is freedom for the other in equal measure, and there can therefore be no such thing as a fundamental right to convert any person to one's own religion. ये देखिए, यही है स्टूडेंट्स, रिलीजन और कन्वर्जन और नॉट कन्वर्जन, ठीक है, कहा जाता है एक ही चीज, कहा जाता है हर जगह, सॉल्यूशन एक ही है। देखिए मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने पढ़ा भी था ये, जब मैं बता रहा था क्वेश्चन ये आंसर राइटिंग में, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये प्रोविजंस डाले थे, उनका सबसे बड़ा एम था सोशल ऑर्डर, पब्लिक, इंडिविजुअल, नॉट द रिलीजन। हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता की नहीं। इसका मतलब साफ है, हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, ह्यूमैनिटी,
और इसी वजह से हमारा डिस्टिंक्ट एक नेचर है। जितना हम लोग रिलीजन के ऊपर लड़ेंगे और फाइट करेंगे, उतना हमारा कंसेप्ट सोशल ऑर्डर का खत्म होता जाएगा और हम लोग स्टैटिक कंसेप्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। यस, वी हैव अ डायनामिक बेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर। यस, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक नेवर एंडिंग है, ये द हिंदू ने पुट अप कर दिया। इसमें एक एक चीज हम लोग को पहले से पता था। आई होप यू एग्री विथ मी, टेल मी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक ऑन अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये देखिए, ये इंडिविजुअल अमूल के कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट इन गुजरात। देखिए, बटर, यही बटर पैक होकर अमूल का बटर बाहर निकल रहा है और मस्त आप जाकर पाव भाजी खा रहे हैं। पाव भाजी में आपने देखा होगा, पाव भाजी हो या वड़ा पाव हो, नया कंसेप्ट, या राइस हो, बिरयानी हो, ठीक है, बनने के बाद भी आधा स्लाइस बटर डालकर मस्त आपको दिया जाता है और YouTube वीडियो भी कैप्चर किया जाता है और उसके बाद यू एंड अप हैविंग अ हार्ट डिजीज। यस, एक्सेसिव यूसेज ऑफ बटर इज हैपनिंग एट प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री। आई होप यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स। और ये YouTube पर जो वीडियोस बना रहे हैं लोग, ये खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए उसमें बटर भी डाल दिया, ठीक है, सोयाबीन का तेल भी डाल दिया, नहीं उसके बाद सरसों तेल भी डाल दिया उसके अंदर, आइसक्रीम भी डाल दिया, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बना बना कर यूट्यूब पर पुट अप करते रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं उस बटर की कहानी द हिंदू के इस आर्टिकल की जुबानी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। इंडियाज कोऑपरेटिव सेक्टर एंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022। आइए देखते हैं, द बिल टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन ऑन डिसंबर 7। ये देखिए, opposition parliamentarians alleged that the bill's provisions encroach upon the right of state governments, demanding that it would be referred to standing committee on scrutiny. Ye dekhiye, what is the history of India's cooperative movement? India's cooperative movement originated in the agriculture and related sectors as a means for farmers to pool their resources to prevent exploitation by money lenders. Ye dekhiye, pooling of the resources. According to the International Cooperative Alliance, cooperatives are people-centered enterprises. आप देख सकते हैं यहाँ पर, jointly owned and democratically controlled by and for their members to realize the economic, social and cultural needs for aspirations and aspirations. Article 43B of the Constitution inserted by 97th Amendment Act 2011. पता है ना, मैंने बताया था आपको इसने कहाँ कहाँ अटैच किया, ऐड किया कॉपरेटिव सोसाइटीज वर्ड, मुझे अभी चैट बॉक्स में चाहिए आपकी तरफ से, अभी बताइएगा आप लोग, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तो दिस द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या बात है, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर ये सब शब्द लिख दीजिएगा तो आपको अल्टीमेट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अल्टीमेट मार्क्स, ओके। सो कोऑपरेटिव्स इन इंडिया रेंज फ्रॉम दोज प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू दोज प्रोड्यूसिंग, प्रोक्योरिंग और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, मिल्क, शुगर एंड फिश। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव हैज अराउंड अ थर्ड ऑफ मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स, वेल गुजरात्स अमूल इज हाईली प्रॉफिटेबल डेयरी कोऑपरेटिव। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, लास्ट ईयर बनाया गया, याद कीजिए, there are around 8.5 lakh cooperatives in India with about 1.3 crore people directly attached to them. 1 crore se upar log attached hain. As per the data from 2018, the percentage of cooperative members in proportion to total population increased from 3.8% to 22.2%. ye dekhiye yahan par, India's cooperative movement was formalized at the end of 19th century inspired by German model of agriculture credit banks. In 1904, the British government in India enacted the Cooperative Credit Societies Act. देख सकते हैं, ये 120 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। While this act dealt solely with the extension of credit, the sector was opened up to other activities in 1912. ये देखिए, administrative reforms in 1919 transferred the cooperatives to provincial control, state government, और उसी समय से ये state government के पास है। देखिए, बहुत important point है students, Montagu Chelmsford reforms, क्या यही थे, मुझे बताइए। After independence, the framers of the constitution placed cooperatives in the state list. This came to be considered instrumental for socio-economic development and became an essential focus of five-year plans.
States made their own laws to regulate cooperatives within their jurisdiction, but in 1984, the Multi-State Cooperative Societies Act, amended in 2002, was enacted by the Parliament to consolidate different laws at the central level. Multi-state cooperatives are societies that have operations in more than one state. For instance, a farmer producer organization which procures grains from farmers from multiple states. Such cooperatives are registered under the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, and the regulation lies with the central registrar. The board of directors are from all the states these collectives operate in and controls all finances and the function. ये देखिए तो 1500 के आसपास multi-state cooperative banks हैं, ये multi-state cooperative societies हैं, और महाराष्ट्र में इसमें highest number है. आइए बढ़ चलते हैं students. What are the issues with the cooperative sector? As envisioned by the European cooperative movement and the Indian constitution, independent and autonomous character was crucial to their functioning. Students point out that as government and legislative control of cooperatives increased over the years, there were increasing reports of mismanagement and corruption. ये देखिए तो autonomous functioning effect हुआ है और mismanagement बढ़ गया है, corruption बढ़ गया है, जैसे ही government control बढ़ा. ये देखिए इसका साफ साफ मतलब स्टूडेंट्स की दिक्कतें चल रही है. देखिए मोर ओवर कंट्रीब्यूटिंग टू द शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड प्रोवाइडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इनेबल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टू इंटरवीन इन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव्स व्हिच आर लीगली ऑटोनॉमस. ये देखिए और इसी को कहते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ये सबसे बड़ी परेशानी समस्या की बात. द पोटेंसी ऑफ कोऑपरेटिव्स एज एन अपरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल कैन बी सीन इन महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी एंड वेस्ट बंगाल. Multi-state cooperatives were formed to ease the operation of collectives throughout the country. But the researcher points out that multi-state cooperatives are facing issues regarding trust, which is the very basis of cooperation. Multi-state cooperatives were therefore brought under the Prevention of Money Laundering Act 2002 in 2018. And all urban and multi-state cooperative bank were brought under the radar of Reserve Bank of India in 2020. These developments have brought the multi-state cooperatives under multiple controls. देख रहे हैं आप, इसी को कहते हैं overlapping controls from the center, giving rise to fears that monitoring would take a top-down approach as opposed to grassroots one. क्या बात है, ऊपर से control चालू हो गया, नीचे से control चालू रहना चाहिए था. तो मुझे बताइए क्या बातें समझ में आ रही हैं students, let me know. Multi-state cooperative आज किसके अंडर में काम कर रहा है? RBI. और किसके अंडर में काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. और किसके अंडर में काम कर रहा है? कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002. ये देखिए सब कुछ तो सब कुछ ऊपर से ही कंट्रोल हो रहा है, तो क्या बचेगा अब इसके अंदर, ये बताइए. अब इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस हो गया, इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती हैं और इसी से पॉलिटिशियंस की एंट्री होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में. मुझे बताइए क्या आपने ये अपने राज्य में देखा है? लेट मी नो स्टूडेंट्स. In 1991, a committee was formed for the in the planning commission. It made far-reaching recommendations to reorganize the multi-state cooperatives, but the act has not been modified as per the report. देखिए कमेटी बनाई जाती है इंडिया में जब परेशानी होती है, फिर उसके बाद उस कमेटी की बातें साइड में डब्बा बंद करके, साइड में अलमारी के अंदर बंद करके चाबी उठाकर फेंक दिया जाता है. यही देखिए यही हो रहा है. Andhra Pradesh was the first to apply the recommendations and form a new model of cooperative societies. The Andhra government mutually aided cooperative societies act 1995 aimed to restore autonomy to cooperatives wherever they are not dependent on the government for equity. Other states soon enacted the new laws. However, despite this, cooperative societies have struggled to be successful and financially viable, and the cooperative movement remains unevenly spread in the country. Maine aapko primary agriculture credit society PSCS ke bare mein पहले ही बताया स्टूडेंट्स. आई होप यू एग्री. टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स. सो व्हाट डज द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 सीक टू चेंज. आई देखते हैं. टू प्लग द लूप होल्स द न्यू बिल इज फोकसिंग अपॉन ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. द अमेंडमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव गवर्नेंस, रिफॉर्म द इलेक्टोरल प्रोसेस, स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. द बिल ऑल्सो seeks to improve the composition of the board and ensure financial discipline, besides enabling the raising of funds in the multi-state cooperative societies. ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे. ये देखिए financial discipline आ जाएगा,
बोर्ड का कंपोजिशन इंप्रूव कर जाएगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इंप्रूव कर जाएगा, इनहेंस हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी, इनहेंस हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा और रास्ता अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। वैसा ही कुछ जैसा कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप यही सोचते हैं आज से पॉलिटी 4 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे मैपिंग हो जाएगा, 3 घंटे इकोनॉमी हो जाएगा, 2 घंटे सर का सेशन भी देख लेंगे, ठीक है, 2 घंटे आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे 1.5-2 घंटे, फिर साइंस टेक का 1.5 घंटे तो बनता है, फिर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी बनता है लगभग 30 मिनट, ठीक है, और फिर कुछ समय बचेगा तो ऑप्शनल भी पढ़ लेंगे, उसके बाद कंपलसरी पेपर तो रह ही गया वो भी पढ़ लेंगे, और साथ में ऐसे के साथ दिन का अंत करेंगे, 24 घंटे में 26 घंटे की पढ़ाई, दैट्स इट, इसी को मैं कहता हूँ। और ये हर महीने सेट होता है, वैसे ही देखिए यहाँ पर हर बिल में यही देखिए सेट होता है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूवमेंट, इसलिए बहुत इजी है। क्या चाहिए, क्या चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बाकी जगहों पर ठीक करने के लिए सब कुछ, तो बस किसी एक बिल का प्रोविजन पढ़ लीजिए, सब सही हो जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना है, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड इंप्रूव करना है, ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करना है, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना है, और कुछ नहीं अगर, कुछ नहीं अगर तो जीएस पेपर 2 और 4 का गवर्नेंस का टॉपिक का उठा लीजिए शब्द। यस, कमिटीज भी शायद यही करती हैं क्या, नहीं मुझे बताइए, कि यूपीएससी का सिलेबस उठाया जाए, थोड़ा सा उसमें शब्द उठाए जाए, देखिएगा। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ये देखिए, ये देखिए अब और एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर, सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी टू सुपरवाइज इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी तक इलेक्शंस की, इलेक्शंस में देखिए अभी तक नहीं मन भरा था, अब एक और जगह पर, ये देखिए यहाँ पर, द अथॉरिटी विल हैव अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर अंडर द सेंट्रल कंट्रोल। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज कर रहे हैं कि यार ऐसा है ना, स्टेट लिस्ट पूरा ले लीजिए आप, क्या दिक्कत है, अब ऐसे मत बोला कीजिए कि हम बिल लेकर आएंगे, पूरा ले लीजिए एक ही बार में। तो यहाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इंपैक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। अनदर प्रोविजन मेक्स इट पॉसिबल टू ओवरराइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर नॉट नेसेसरली अ मेंबर ऑफ द कलेक्टिव। क्या बात है, एक नया एडमिनिस्ट्रेटर बाहर से कोई आएगा आपके घर पे, आप क्या कर रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, चलो तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हेड बन जाओ। यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटीज केवल इतना पता है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आर्टिकल 43B में लाया गया था और आर्टिकल 19(1) में, चुप नहीं सुनना है, चलो तुम्हें हेड बना दिया जाए वहां पर, तो क्या दिक्कत की बात नहीं है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। अब मुझे केवल स्पेलिंग पता है, अमेंडमेंट पता है, आर्टिकल 19(1) पता है, आर्टिकल 43B पता है, ये देखिए। ऑब्जेक्टिंग टू द अमेंडमेंट्स द अपोजिशन इज सेइंग दैट कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा सेंटर पे, ये देखिए, और इससे ऑटोनॉमी इंपैक्ट होगी, मैं अग्री कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर किसी बाहर के आदमी को लाकर बैठा दीजिएगा, ये वही बात हुआ था राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स को बैठाया गया, ठीक है, वो क्रिकेट खेलते हैं मान लीजिए, वहां बैठाया गया, बातचीत चल रही है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें याद आ रहा है कि मैंने सेंचुरी मारी थी आज से 7-8 साल पहले, कभी शारजा में या कभी यहां पर, मैं यहां पर क्या करूंगा, उधर से कोई डांस कर रहा है मूवी में, उसे बोला गया चलो चलते हैं राज्यसभा मेंबर बन जाओ, बन गए। अब वहां जाकर सोच रहे हैं यार मूवीज और इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है यार, मूवीज में ज्यादा अच्छा है, डांस कर लेते थे, यहां तो आकर पता नहीं कहां पर, यहां क्या करना पड़ रहा है यहां पर। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या अगर बाहर का इंसान लाकर बैठाइए, क्या वो जज कर पाएगा तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे फंक्शन करती हैं, क्या समस्याएं, मुझे ये बताइए। ये वही बात हो गई कि आपके कोई रिलेटिव आकर आपके यूपीएससी की तैयारी पर आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपने देखा होगा रिलेटिव्स आके एडवाइस करते हैं, हाँ बेटा ये भी कर लो, हाँ बेटा वो भी कर लो, अरे आप फील्ड में हैं नहीं है फिर भी एडवाइस कर रहे हैं, आइए देखते हैं आगे। नोटेबली द कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन ऑफ स्टेट्स इन रेगुलेटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर व्हेन इट स्ट्रक डाउन अ पार्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट। द कोर्ट हेल्ड दैट द सेंटर रिक्वायर्ड द रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट बाय 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एज इट सॉट टू गिव अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेट लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लास्ट ईयर इसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चल क्या रहा है भाई यहां पर, ये देखिए। द टॉप कोर्ट अपहेल्ड ओनली द पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट दैट रिलेट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर विच द पार्लियामेंट वॉज कंपीटेंट इन एट लॉज। उसने कहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पे आपको जो करना कीजिए। देखिए ये भी जाएगा बिल, मैं बता रहा हूँ, ये एक्ट बनेगा, ये बिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं बता दूं आपको।
नहीं, द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 17 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट टू अलाउ द मर्जर ऑफ एनी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद एन एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका मतलब साफ है कि स्टेट कोऑपरेटिव कोई है तो उसको बोला जाएगा इसमें मर्ज कर जाओ, फिर मैं तुम्हारा नियम बनाऊंगा, मैं सेंटर हूं, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट कोऑपरेटिव्स एज वेल। दिस इज द प्रॉब्लम आउट हियर। इट एनविसेजेस द क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड फॉर द रिवाइवल ऑफ सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स financed by existing profitable multi-state cooperatives which will have to deposit either rupees 1 crore or 1% of the net profit। ये दिक्कत की बात है। मान लीजिए आपने multi-state cooperative, आपका society है, आप बहुत profit में चल रहे हैं क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो आपको 1 crore रुपये देना पड़ेगा। किसे? उसे जो खराब तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए जो सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में, बोलिए सर क्यों ऐसे ही मन कर रहा है, दे दीजिए, क्या ये चिंता की बात है, मुझे बताइए क्यों दे दें भाई, ये तो दिक्कत की बात है। अब क्या कीजिएगा, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, तो आप उस प्रॉफिट में से उठा दीजिए पैसा और दे दीजिए इनको, सिख एमएस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और यही दिक्कत की बात है, फाइनेंस गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, व्हाई विल द अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिव, और इट विल लीड टू द सेम थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में आपने 100 में 90 नंबर लाए और किसी ने 100 में 30 नंबर लाए, तो आपके टीचर ने कहा कि ऐसा है कि 90 में से 20 नंबर दे, 30 नंबर दे दो उसे। आपने कहा क्यों, तो उसका 40 है, 40 प्लस 30 ये उसका 30 है, उसका 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, तुम्हारा 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, दोनों 60 60 पे 60 पे आ जाएंगे और दोनों का ठीक हो जाएगा जीवन। आपने कहा ये कौन सी बात हुई, मैंने यहाँ पर 20 घंटे 25 घंटे पढ़कर अब हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो नहीं पढ़ रहा है, जो फेल हो रहा है, उसको हम पैसा दे दें या आप अपने मार्क्स दे दें, क्या ये चिंता की बात है, मुझे बताइए। दिस इज द प्रॉब्लम आउट हियर। ये देखिए, तो फंड क्रिएट किया जाए लेकिन उस फंड को फाइनेंस करने के लिए प्रॉफिटेबल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स नहीं आगे आने चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। नहीं यहाँ पर साफ साफ स्टूडेंट को यह बोलना चाहिए कि 90 से 60 मेरा मत कीजिए, आप अपना जीवन का जो मार्क्स है उसको कम करके दे दीजिए उसे, मेरे में से मत दीजिएगा मार्क्स, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में रैंक 1 आया, किसी का रैंक 600 700 आया है, तो नहीं दोनों का एवरेज 350 निकाल देते हैं, 350 पे दोनों बैठेंगे, ठीक है, रैंक पर, दिक्कत की बात। In order to make the governance of the societies more democratic, transparent and accountable, the bill has provisions for appointing a cooperative information officer and a cooperative ombudsman. ठीक है, चलिए ये भी अच्छा है, लेकिन ये काम अच्छे से करें तो अच्छा है। To promote equity and inclusiveness, provisions related to representation of women and scheduled caste and scheduled tribe members on multi-state cooperative societies boards have been included. The bill makes only members eligible to be elected to the board or as office bearers of the cooperative society. And active members have been defined as those who are availing a minimum level of services from the society or have attended at least 3 consecutive general meetings. तो ये important है students, ये prelims में आ सकता है अगर ये act pass हो गया तो। ये देखिए, the bill also increases the penalty amount for a violation of the law to rupees 1 lakh and potential imprisonment from 6 months to a year. In short, इसमें full of shortcomings है state cooperatives के लिए, merger हो सकता है, प्रॉफिटेबल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का पैसा जा सकता है, ठीक है। साथ में दिक्कत यह है दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई बाहर का बंदा आकर बैठ सकता है, ओके, यानी पॉलिटिसाइजेशन पूरा अल्टीमेट लेवल्स पे। इसके अलावा गवर्नेंस, बड़ी बड़ी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब फ्रॉम द टॉप काम करेगा, ग्रास रूट लेवल से काम नहीं करेगा। अब बोलेगा सर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था, ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करना सब कुछ, शायद ग्राम सभा से रिलेट करके कुछ चीजें करवाना, शायद लोकल गवर्निंग बॉडी से सब कुछ कराना, क्यों, व्हाई इट्स ओनली फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द क्वेश्चन आउट हियर। तो बस यही है। कभी कभी जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो लगता है ना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद यार ये चैप्टर क्यों पढ़े, तो वही देखिए यहां लग रहा है, ये बिल में शॉर्टकमिंग्स तो है अच्छी खासी, स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए जब पढ़ रहे होंगे इसको तो उन्हें लग रहा होगा कि सब तो छीन गया अब इसके बाद हमारे हाथ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका होमवर्क है यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रोल नेशन बिल्डिंग के लिए। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रोल, ठीक है,
एट द नेशनल लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, थोड़ा सोच के लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा वाइट रेवोल्यूशन सोच लीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इस बिल में, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं ओवरऑल, ये सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इस बिल में क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स इन दिस बिल, ठीक है ना, मुझे बताइए, क्लियर। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स आर दोज विच हैव ऑपरेशंस इन मोर देन वन स्टेट एंड आर रजिस्टर्ड विद सेंट्रल रजिस्ट्रार। ये देखिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आ सकता है प्रीलिम्स में ऐसे ही, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशन से पहला न्यूज, स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस। टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन मस्ट बी कंडेम्ड। दिस कैनॉट, देर कैनॉट बी एन एक्सेप्शन और जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म रिगार्डलेस ऑफ इट्स मोटिवेशन एंड वेयर एवर वेन एवर एंड बाई हुम सो एवर कमिटेड। इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए, तो इंडिया कितनी बार सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सुप्रीम कोर्ट मत समझ लीजिएगा, ठीक है, इंडिया कितनी बार रहा है नॉन परमानेंट मेंबर, मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। और इंडिया अभी लीड कर रहा है प्रेसिडेंसी, और इंडिया ने कहा दो चीज़ों पर हम काम करेंगे, पहला रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, उस पर हम एक सेशन लेंगे। ये रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म क्या है, जोसेफ बाइडेन ने कहा, ये क्या है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ लाइफ में, ठीक है। इंडिया इज लाइक, सब कुछ तुम्हें ही पता रहेगा तो हम क्या बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बस सुनिएगा, अगले एक महीने में रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म पर हम लोग सेशन लेकर आएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे क्या होता है ये। एंड सेकेंड पॉइंट टेररिज्म काउंटर करने के लिए, देखिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। अब सवाल ये है कि टेररिज्म पे बहुत ही सब्जेक्टिविटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे चाइना कहता है जो मेरे लिए अच्छा करेगा वो कुछ भी करे, टेररिज्म भी करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। पाकिस्तान इज लाइक, अरे यार मेरा नाम सिनोनिम ही है टेररिज्म के साथ में, दोनों को अदला बदली कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये बोला कि ये गुड एंड बैड टेररिस्ट क्या होते हैं, ये सब मूवी बॉलीवुड में बनती थी, ठीक है, गुड एंड बैड, ओके, लेकिन यहाँ पर गुड एंड बैड टेररिस्ट तो पहली बार सुना है, नहीं। पॉलिटिकल कन्वीनियंस मस्ट नॉट डिक्टेट सच डिसीजन, ये देखिए कितनी बड़ी बात कही गई इंडिया की तरफ से, बहुत अच्छा शब्द है, देखिए यहाँ पर, एंड देर कैनॉट बी एन एक्सेप्शन और जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। गलत गलत होता है, ये सेम चीज हो गया कि दिस मान लीजिए किसी गांव में कोई मींस कोई फैमिली है, लड़ाई मची और कोई किसी का बेटा है 18-20 साल के, उठा लिए बंदूक, चलो मैं दिखाता हूँ, मैं रोड रेज करूँगा, मैं उसे दिखा दूंगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। तो बोला गया, अरे क्या कर रहा है आपका बेटा, देखिए, नहीं नहीं वो मेरा बेटा है ना, तो जो करेगा अच्छा ही करेगा, यही होता है। ये देखिए मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, ओके। तो ये गुड एंड बैड वर्ड टेररिज्म से हटना चाहिए, टेररिज्म इज अ ग्लोबल मिनेस, इसमें कोई किसी का टेररिस्ट का एम ही होता है क्रिएट टेरर इन द माइंड्स, और ऐसी जगह पर आप अच्छा बुरा नहीं देखते, जब वो अच्छा बुरा नहीं देख रहा है तो आप क्यों अच्छा बुरा देख रहे हो। ये क्यों आया है ये वर्ड इंडिया की तरफ से, बिकॉज चाइना ने बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जब सैंक्शन लगाने की बात आई टेररिस्ट के ऊपर, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म ऑपरेशंस इन इंडिया, उन पर सैंक्शन लगाने के लिए इंडिया ने जब नाम पेशकश किया तो उसमें चाइना की तरफ से यही आया स्टूडेंट्स, दैट देखेंगे टेक्निकल एविडेंस मिसिंग, टेक्निकल एविडेंस मिसिंग। इट्स द सेम एज आप कॉलेज में जाकर लिख रहे हैं जान लगाकर, ठीक है, या किसी एग्जाम में लिख रहे हैं जान लगाकर, ठीक है, पूरा झोंक दिया आपने आपको, 12-20 नंबर में 5 नंबर, आपने कहा क्या है ये, टेक्निकल एविडेंस मिसिंग। टेक्निकल एविडेंस का मतलब क्या होता है यहां पर, टेक्निकल एविडेंस का मतलब क्या है यहां पर, इतना सब प्रूफ दे दिए फिर भी टेक्निकल एविडेंस मिसिंग, 20 में 5 नंबर, वही सेम चीज चाइना कर रहा है, कहां पर, सिक्योरिटी काउंसिल में। अरे कैसा एविडेंस चाहिए, क्या तुम ही को मारेगा तभी जाकर तुम एविडेंस मानोगे क्या, ये तो वही बात हो गई ना, चाइना इज सेइंग लाइक मेरे साथ करने दो तब मैं मानूंगा, सैंक्शन तब लगाऊंगा, तो मेरे साथ करेगा तो बैड टेररिस्ट होगा, दूसरे के साथ करेगा तो गुड टेररिस्ट होगा, क्या बात है चाइना का, ये देखिए यहां पर। और इसीलिए स्टूडेंट्स ये टेररिज्म को लेकर ये सबसे बड़ा है पॉलिटिकल कन्वीनियंस के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्ल्ड में इमर्ज कर रहा है, आई होप यू एग्री। देखिए
एंड टेररिस्ट आर लाइक, हमारे लिए कोई देश ऐसा नहीं है, ठीक है। तालिबान इज लाइक, अभी चाइना को भी देखेंगे, अभी उसको भी देखेंगे, ठीक है। देखिए चाइना, चाइना का जो कंसेप्ट सीधी सीधी चाइना उसी दोस्त की तरह है आपके, उस दोस्त की तरह जो अच्छे समय में आपके साथ रहता है, लेकिन लेकिन जैसे ही आपकी नज़र थोड़ी हटती है तुरंत आपको गिराने के लिए वो बेकरार रहता है। नहीं मुझे बताइए, आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रशिया शिप बिल्डिंग, रशिया ऑफर्स टू हेल्प इंडिया बिल्ड लार्ज कैपेसिटी शिप। रशिया वैसा ही फ्रेंड है इंडिया का, जैसा कि यार तुमने मुझे समोसा खिलाया मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, रशिया वेलकम्स इंडियाज डिसीजन नॉट टू सपोर्ट प्राइस कैप प्लेस्ड बाय G7 एंड अलाइज ऑन इट्स ऑयल। ये देखिए, तुमने समोसा खिलाया मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। यूएस ऐसा फ्रेंड है इंडिया का, ठीक है, दैट तुमने मुझे समोसा खिलाया है और मेरा टर्न है समोसा खिलाने का अगली बार, लेकिन यार उधार दे दो, मैं तुम्हें समोसा खिला दे रहा हूं, मैं अगली बार वापस कर दूंगा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडिया रशिया कोऑपरेशन, इसीलिए रशिया हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड इंडिया शुड नॉट लीव रशिया एट दिस जंक्चर फॉर इट्स। देखिए इंडिया के अपने वेस्टेड, इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, यस। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत रशिया यूक्रेन जब कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, उसमें अगर आप एक कंप्लीट दिस आप एक आईने से देखिएगा, उस आईने से जहां पर दोनों मींस दोनों तरफ की पार्टीज देखिएगा, तो यूक्रेन, यूक्रेन वाज द कंट्री विच फेस द प्रॉब्लम्स, बट इंस्टिगेशन यूएस ने शुरू किया था उस जगह पर, मैं बता दूं आपको। तो ये देखिए इंडिया रशिया कोऑपरेशन कॉस्ट ऑफ वॉर, देखिए यहां पर शिप बिल्डिंग कोर्स पर इंडिया के साथ रशिया, यस आप अटैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया अर्ज टू अडॉप्ट आसियान कंसेंसस ऑन म्यांमार। ये देखिए आसियान 10 मेंबर ग्रुप, उन लोगों ने कहा है इंडिया से कि थोड़ा सा रुक जाइए, इतना हड़बड़ी मत कीजिए म्यांमार को सपोर्ट करने में, म्यांमार में मिलिट्री जुंटा है ये देखिए, और हम लोग उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। आप अगर हम लोग वहाँ पर फाइव पॉइंट कंसेंसस में हम लोग रीच किए हैं, उन्होंने मिलिट्री जुंटा ने आंग सान सू की और बाकी लोगों को अरेस्ट किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। डोंट टेक अ डिफरेंट पाथ एंड डोंट एंगेज द म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट, ये देखिए, सपोर्ट अस, डोंट बी लाइक चाइना। बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए। तो ये देखिए इस जगह पर आसियान इंडिया रिलेशंस म्यांमार को लेकर, देखिए म्यांमार को लेकर मिलिट्री रूल है वहां पर, और हम लोग जब म्यांमार को एंगेज करने की बात आएगी, चलो उसे बातचीत करते हैं, तो हम लोग चाइना फैक्टर देख रहे थे, उसकी दूसरी तरफ एक आसियान फैक्टर भी है जो ये कहता है म्यांमार हमारे फैमिली का हिस्सा है, हम उसे ठीक करना करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी मदद चाहिए, आप इंडिया है, दैट्स इट। ये देखिए, सो इंडिया आसियान रिलेशंस, आप इसे कोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए इस पॉइंट को, ये चैलेंज का पॉइंट है, ये देखिए म्यांमार इश्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द सी टेक्स माई लाइफ सो बी इट, क्यूबा फेसेस इट्स लार्जेस्ट एवर एक्सोडस। ये देखिए, ये है क्यूबा में इनकी, ये पर्सन देखिए, ये यहाँ पीछे में देखिए घर देखिए, ये गाड़ी देखिए इनकी, कार ब्लू कलर की, शायद खराब पड़ गई है, शायद पेट्रोल डीजल नहीं है, देखिए रॉगर गार्सिया और दास इनका नाम है। ये क्यूबा छोड़कर यूएस जाने के लिए 11 बार समुद्र में गए हैं, अब एक अपना बोट बनाकर, लेकिन बार बार पकड़े गए हैं। 11 बार के बाद पूछा गया आप 12वीं बार जाइएगा, उन्होंने कहा बिल्कुल जाऊँगा, भले समुद्र निकल जाए, मुझे निकलना है यहाँ से। ये देखिए क्यूबा कहाँ पे, आप देख सकते हैं क्यूबा इज अ कंट्री इन कैरिबियन सी, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के जस्ट नीचे, देखिए फ्लोरिडा यूएस से, डोनाल्ड ट्रंप का घर यहाँ पर, देखिए लैंडमार्क ऑफ द वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप हाउस फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के नीचे देखिए यहाँ पर क्यूबा, क्यूबा कैपिटल हवाना, इसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये देखिए शुगर बॉल, दिस चीनी का कटोरा, हमने सर चीनी क्या सब कुछ सर कटोरे में फिलअप करके सर दिन भर खाता है क्या वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ बटर और बर्गर और पिज़्ज़ा, नहीं ऐसा नहीं है, चीनी का प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ पर, मीन्स ईल्ड पर शुगर केन इज मैक्सिमम, इंडिया का शुगर केन 10-12 शुगर केन डालते हैं तो आपको एक ग्लास गन्ने का जूस मिलता है, और फिर आप 20-10 रुपये देते हैं सामने गन्ने के जूस खरीदते हैं आप, और फिर आपको लगता है कि यार 10 गन्ने का जूस मैंने एक बार में पी लिया, मेरे अंदर खूब एनर्जी होगी, ठीक है,
लेकिन वह उतना ही गन्ने का जूस वहां पर क्यूबा में एक गन्ने से निकल जाता है। फिर आप बोलता है यार ये क्या हो गया। तो इसे कहते हैं ईल्ड। ईल्ड इज ईल्ड ऑफ क्यूबन एंड इंडोनेशियन शुगर केन इज मोर देन 7 to 8 times दैट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। तो ये देखिए यहाँ पर क्यूबा, क्यूबा में देखिए बाराकोआ करके देखिए जगह ये है, देखिए लोग भागने की तैयारी में, देखिए इधर से भागेंगे मस्त, इधर से जाएंगे बरमूडा ट्रायंगल होते हुए देखिए और डोनाल्ड ट्रंप के घर की तरफ पलायन, माइग्रेशन। लेकिन अफसोस रास्ते में ही यूएस की शिप्स रोक लेती हैं और बोलती हैं निकलो बाहर जाओ वापस यहाँ पर। माइग्रेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स माइग्रेशन। ये देखिए क्यूबा हैज बीन अंडर द सोशल गवर्नमेंट, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट एंड इट हैड अ प्रो रशियन स्टांस ऑलवेज। जब तक फिडल कास्ट्रो के अंडर में सरकार थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिडल कास्ट्रो के बाद देखिए सबको सोशलिज्म का एसेंस नहीं समझ में आता है और इसी सोशलिज्म के कारण देखिए दिक्कतें क्यों हुई हैं, यहाँ गरीबी क्यों बढ़ी है। देखिए यहाँ पर बिकॉज यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं क्यूबा के ऊपर। ये देखिए यूएस सैंक्शन, ये देखिए इसीलिए क्यूबा से निकलते ही बाराकोआ से निकले मालूम चला 1 किलोमीटर के बाद ही यूएस की शिप आ गई। चलो निकलो यहां से वापस जाओ अपने घर पर, क्या खेलने कूदने के लिए आ जाते हो इधर। तो फिर वापस यही देखिए ये पर्सन जो खेलने कूदने के लिए जा रहा है इस कैरिबियन सी में, वापस इसे भेजा जा रहा है इस जगह पर। बोल रहा है खेलना कूदना नहीं है, मुझे जीना है यूएस में जाकर। एग्जोडस, मास मास माइग्रेशन फ्रॉम क्यूबा। देखिए तो यहां पर मैं बता दूं स्टूडेंट्स दैट यहां इसके नीचे जस्ट एक ऐसा ऐसी जगह है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है इंडिया में। देखिए केमेन आइलैंड्स यूनाइटेड किंगडम, कुछ याद है केमेन आइलैंड्स, वोडाफोन, हज, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, गेन्स एनर्जी, इनकम टैक्स, उसके बाद एयर इंडिया का एरोप्लेन, एयर इंडिया का एसेट्स कनाडा में और फ्रांस में, गेन्स एनर्जी वाले जाकर बैठ गए उसके ऊपर। नहीं ये क्या है, क्यों बैठ रहे हो भाई, एयर इंडिया ने कहा यार मैं ही मिला हूँ। नहीं आप भारत सरकार के एसेट हैं, अब हम लोग इसको नहीं जाने देंगे जब तक कि हमारा पैसा वापस नहीं करेगी भारत सरकार। इट्स लाइक यार एयर इंडिया ने कहा ऐसे ही खराब दिन चल रहे हैं, ये मेरा एरोप्लेन भी रोक लिया यहाँ पर। देखिए केमन आइलैंड्स का देखिए मैप आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूबा एंड केमन आइलैंड्स आउट हियर। जमाइका यहीं पर, यहीं पर हाइती भी है। देखिए गुआंतानामो बे, क्या ये पता है आपको। देखिए यूएस को बिलोंग करता है, यूएस कह रहा है यहां आना है तो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, उधर नहीं जाने देंगे फ्लोरिडा की तरफ। सो माइग्रेशन फ्रॉम क्यूबा इज अ बिग बिग कंसेप्ट नाउ। देखिए और बाराकोआ कहां पर है, क्यूबा में है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है वेयर इज बाराकोआ लोकेटेड। यूपीएससी आजकल बहुत ज्यादा लोकेशन पे फोकस कर रही है, मुझे तो ये डर लग रहा है कल कोई सवाल ये भी ना आ जाए कि रॉगर गार्सिया और दास कहाँ पे हैं। यहाँ पर ये देखिए इनका नाम है, ओके ऐसा सवाल नहीं आएगा लेकिन बाराकोआ आ सकता है। नेक्स्ट यूएस ड्यूटी ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इनकंसिस्टेंट। ये देखिए चाइना ने जाकर कर दिया केस, कस्टम ड्यूटी लगाया था यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। ये देखिए डब्ल्यूटीओ में केस कर दिया, डब्ल्यूटीओ ट्रिब्यूनल में, और डब्ल्यूटीओ ट्रिब्यूनल ने कहा दैट ओके यस यूएस गलत है। यूएस ने कहा, जोसेफ बाइडेन ने कहा यार मेरे समय ही सब गलत क्यों हो रहा है यहां पर, क्या ऐसा कुछ केस डब्ल्यूटीओ में यूएस भी लेकर गया था क्या इंडिया के लिए। देखिए इंडिया यूएस सोलार पैनल डिस्प्यूट, ये देखिए पढ़ दीजिएगा इसे, डब्ल्यूटीओ का ये न्यूज है स्टूडेंट्स, गेट द पॉइंट। ये देखिए तो द रूलिंग होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया टू, द डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट अज्यूम सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ऑल्सो एज द कंट्री इन 2018 टू हैड अप्रोच्ड द डब्ल्यूटीओ अगेंस्ट द यूएस मूव टू इंपोज दीज ड्यूटीज। According to sources here, this ruling will help strengthen the Indian case too. तो समय डोनाल्ड ट्रंप थे इसलिए नहीं सुना कि अब जोसेफ बाइडेन है, ठीक है शुरू से ही कंसेप्ट खिलाफ में जा रहा सब कुछ। देखिए यहां पर तो ये केस किसने किया था, चाइना, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड तुर्की। देखिए सब अलग अलग देशों ने किया था केस, पता नहीं कैसे एक जुट हो गए यूएस के खिलाफ में इस कंसेप्ट पर। और देखिए जिनेवा बेस्ड डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन है, कहा गया ये ड्यूटी जो इंपोज कर रहा है यूएस इट्स गोइंग अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड जो यूएस ने कहा था बहुत पहले। ये देखिए
तो इंडिया यूएस सोलार पैनल डिस्प्यूट देखिए पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर प्लग लगेगा, सोलार एनर्जी जलेगा, ये देखिए सूर्य की किरणें आएंगी, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया के अंदर, और यूएस इधर देखिए गायब हो गया है। जोसेफ बाइडेन का जमाना है आज की तारीख में। इंडियन इकोनॉमी का न्यूज़ स्टूडेंट्स, लेट सी दिस। सीएनजी सेल्स बढ़ गए हैं, सीएनजी व्हीकल सेल्स बढ़ गए हैं। क्या सीएनजी व्हीकल सेल्स आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर लाइव मिंट का ये प्राइमर आया है स्टूडेंट्स। लाइव मिंट प्राइमर में दिया हुआ है, पढ़ दीजिएगा। व्हाट इज द ट्रेंड इन सीएनजी व्हीकल सेल्स, व्हाट इज फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ सीएनजी, पढ़ दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइव मिंट का प्राइमर बहुत अच्छे से देता है सब कुछ पुटअप करके यहाँ पर। एंड सीएनजी के प्राइसेस ऊपर गए फिर भी गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। गाड़ी खरीद लेंगे, बाद में सीएनजी नहीं मिलेगा, फिर क्या कैसे काम चलेगा, ये भी एक टेंशन की बात है। तो इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, मैं नहीं। तो यहीं पे स्टूडेंट्स आज का सेशन समाप्त होता है। देख सकते हैं आप, सबसे पहला टॉपिक आपने यहाँ पर जो आपको होमवर्क मिला, सीएनजी व्हीकल सेल्स एंड कैन सीएनजी बी द फ्यूअल ऑफ द फ्यूचर। आपने इसके अलावा देखा डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट ओवर कस्टम ड्यूटीज ऑफ यूएस ऑन स्टील एल्यूमिनियम, और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा क्यूबा से एक्सोडस 12 कोआ विलेज, उसके आपने देखा इंडिया आसियान रिलेशंस मिलिट्री जुंटा इन म्यांमार, उसके पहले इंडिया रशिया कोऑपरेशन लार्ज कैपेसिटी शिप्स, उसके पहले टेररिस्ट गुड एंड बैड, उसके पहले स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और उसको लेकर कंट्रोल करने की कोशिश, ये देखिए। और उसके अलावा आप देख सकते हैं आप आर्टिकल 25 एंड सेक्युलर कंसेप्ट ऑफ इंडिया, और उसके पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखिए इस कंसेप्ट ऑफ क्लीन गंगा मिशन एंड ऑल्सो अरुणाचल यील्ड से पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड, ये देखिए। इलेक्ट्रिक कार्स बहुत महंगी है, डीजल कार्स बंद हो रही हैं, पेट्रोल महंगा, सीएनजी ही बचा है, वो भी महंगा हो जाएगा आगे आने वाले समय में, नहीं तो फिर क्या बचेगा मुझे बताइए संसार में। और इलेक्ट्रिक कार्स की और एक बात बता दें हम, एलॉन मस्क ने बहुत पहले कहा था दैट वी वांट टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स और वी वांट टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक कार्स टू इंडिया, बोला गया बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन 100% कस्टम ड्यूटी के साथ। एलॉन मस्क ने कहा मतलब, बोला कि कस्टम ड्यूटी का मतलब नहीं समझ में आता आपको, गाड़ी है 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये टैक्स पे करो और उसके बाद 20 लाख रुपए की गाड़ी बेचो यहां पर, क्योंकि हमारा प्लान है कि इंडिया विल गो फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो कस्टम ड्यूटीज हाई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंडिया में, ओके। इसीलिए इंडिया के जो इंडिजिनस जो इंडिया कंपनीज खुद के हैं वही बना रहे हैं कार्स और बाइक्स और स्कूटीज, ठीक है, ओके। तो साइकिल खरीद लेना है, देख लीजिएगा आप लोग। अल्टीमेटली देखिएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे चलकर डायनामिक होने वाला है, किसी ग्रोथ किसी कंट्री का ग्रोथ बताएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही आगे आने वाले समय में, आप देखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहां पर दिस आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आकर उठा ले जाइए सेशन का फ्री पीडीएफ, और संकल्प और सक्षम के लिए एनरोल कर लीजिए स्टूडेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। सक्षम इंक्लूड संकल्प, 15,000 रुपये 6 महीने कंप्लीट कोर्स, इसका इंस्टॉलमेंट बेसिस भी ओपन अप कर दिया गया प्रारंभ डॉट लाइव ऐप पर आप देख सकते हैं। एंड संकल्प टेस्ट सीरीज इज ओनली अबाउट द टेस्ट सीरीज, 17 टेस्ट इन 8,500 माइनस 10% डिस्काउंट, दैट्स इट। नमस्कार, जय हिंद, एंड करते हैं आज का सेशन। सेवा